आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के पौत्र राहुल माथुर ने अपनी चुनावी जंग का आगाज कर दिया है। स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता होने के तहत वो पिछले 15 सालों से मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क में हैं और उनके हर सुख दुख में हिस्सेदार बनते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने दादा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने पर इलाके में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने पर फोकस करेंगे, साथ ही स्थानीय समस्याओं को दूर करने पर भी अपना प्रमुख ध्यान देंगे। इस दौरान राहुल माथुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की ओर से प्रदेश के साथ मांडलगढ़ में कराए गए विकास कार्यों पर भी अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता करी आने वाले चुनाव के बारे में, जिस तरह से स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर साहब मेरे दादाजी जिन्होंने इस क्षेत्र की 4 दशक से सेवा करी, उसी क्रम में मैं भी चाहता हूं कि इस मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा करूं निस्वार्थ भाव से। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं सीट